हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ WCC 3 के दोस्तों बॉलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी कि गाइज अब हर गेंद पर कैसे विकेट चटका सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप टूर्नामेंट को जीत सकते हो, क्विक मैच पे अगर खेलते हो तो भी आप जीत सकते हो आसानी से, क्योंकि आपको ऑल आउट कैसे कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बॉलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप हर गेंद पर विकेट ले सकते हो बताने वाले। तो वीडियो जो अंत तक देखते रहे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हर गेंद पर विकेट कैसे ले सकते हो, उसके लिए आपको जो फील्ड मैप पर जाना है और एक मैप थर्ड मैन वाला जो फील्डर है ना उसको लाना है पॉइंट पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन पर। ठीक है, इस फील्डर को मैंने लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद आप सेव कर देना है और बॉलिंग कहाँ पर करना है लाइन और लेंथ देख सकते हो मैं कहाँ पर रख रहा हूँ। तो गेंद गाइस ये रिकॉर्ड लेंथ बॉल है, आपको इन स्विंग करना है। ठीक है, इन स्विंग करना है इसी लाइनर ऑफ स्टंप की थोड़ा सा बाहर है और कि बैट्समैन क्या किया शॉट खेला बढ़िया टाइमिंग करनी पे और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में मिड ऑन की तरफ गेंद गई और मिड ऑन का जो फील्डर है बढ़िया कैच पकड़ लिया और पहला विकेट मिल चुका है गाइस। और मैं आपको ऑल आउट करके दिखाने वाला हूँ, तो जल्द से जल्द आप जो है कैसे ऑल आउट कर सकते हो पूरे टीम को और इस मैच को जीत सकते हो। और आप अगर मैच जीते हो तो आपको कॉइन्स भी मिलते हैं। और गाइस बोल्ड करने के सबसे आसान तरीके आपको स्पेशल गेंद डालना है। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल गेंद डालना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। देखो स्पेशल गेंद इन स्विंग कर रहा हूँ, स्टंप के ऊपर गेंद है, फुल टॉस बॉल है, गेंद जाके लेके स्टंप पे। तो एक और विकेट मिल चुका है गाइस और लगातार दो गेंदों पर दो विकेट चटका दिया मैंने। हैट्रिक का मौका है, हैट्रिक लेने के लिए भी आपको जो है स्पेशल गेंद डालना पड़ेगा। स्पेशल गेंद पर ना ज़्यादातर विकेट मिलते हैं और अगर स्पेशल गेंद आप कर सकते हो हर गेंद पर तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर WCC 3 गेम को खेलेंगे तो आप जो इसी मतलब परफेक्ट गेम अगर हर गेंद पर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हैट्रिक का मौका है, तो यहाँ पर गाइस हैट्रिक का मौका है। लेकिन अब मैं अगर स्पेशल गेंद होता ना रेगुलर गेंद पर तो विकेट थोड़ा सा मुश्किल होता है हैट्रिक पे, खास करके हैट्रिक पे आपको अगर रेगुलर गेंद पर ज़्यादातर विकेट नहीं मिलता है। ठीक है, अगर दूसरा ऐसे ही हैट्रिक नहीं होता तो विकेट मिल जाता है। तो यहाँ पर स्पेशल गेंद, एक और स्पेशल गेंद है, कभी कभी आपको जो है स्पेशल गेंद पर भी विकेट नहीं मिलता लेकिन ज़्यादातर विकेट मिलता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेशल गेंद करेंगे तो फ़ायदा होगा आपके लिए, आप जल्दी से जल्दी ऑल आउट कर सकते हो और मैच को जीत सकते हो। और यहाँ पर गाइस जो एक और ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ गाइस, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए राइट साइड में आ जाने और लाइन और लेंथ ना ऑफ स्टंप के बाहर रखने हैं और बाहर की तरफ स्विंग करने हैं। देखो मैं यहाँ पर स्विंग कर रहा हूँ, ये रेगुलर गेंद भी अगर करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर देखो गेंद है और बाहर की तरफ मैं स्विंग कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, राइट साइड से बॉलिंग कर रहा हूँ मैं और बैट्समैन जहाँ पर मैंने फील्डर रखा है ना वहीं पर आउट हो गया। और ऐसे ही जो है मैं और भी बहुत सारा विकेट लेके दिखाऊंगा आपको जो है, वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आपको जो एक बात ध्यान रखना है, राइट हैंड बल्लेबाज है ना तो आपको राइट साइड से बॉलिंग करने के लिए आना है और ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखना है और बाहर की तरफ स्विंग करना है। और कभी कभी बल्ले के जो है बैट्समैन का जो है बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए ना स्लिप के पास भी गेंद जाती है और स्लिप से भी आप विकेट निकाल सकते हो, और नहीं तो भाई जहाँ पर हमने फील्डर रखा है ना वहीं पर भी आउट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आप विकेट लेके और भी दिखाने वाला हूँ, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए लेफ्ट साइड में आ गया बॉलिंग करने के लिए और मैं जो है ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा है और बाहर की तरफ स्विंग कर रहा हूँ, देख सकते हो एक और विकेट, देख सकते हो गाइस जहाँ पर हमने फील्डर रखा है ना वहीं पर बैट्समैन ने शॉट खेला और एक और विकेट गिरता हुआ। और गाइस अभी भी जो है मैं ऑल आउट करने वाला हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके मदद से आप जो है विकेट चटका सकते हो, तो आप वीडियो को जो अंत तक जरूर से देखना। तो यहाँ पर देख सकते हो इस बार गाइस जो है लो फुलडोज रखा है, इन स्विंग बॉलिंग कर रहा हूँ, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है और बैट्समैन जो है शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ जो है जो फील्डर था वहीं पर गेंद गई, इसी के साथ एक और विकेट। तो और भी गाइस मैं विकेट लेने वाला हूँ, आप जो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो इस बार गाइस जो है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए लेफ्ट साइड से बॉलिंग कर रहा हूँ और जो है मैं ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर है और अंदर की तरफ जो है इन स्विंग कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए और बैट्समैन शॉट खेला सामने की तरफ और आउट हो गया गाइस, देख सकते हो शानदार कैच, एक बार छूट गया था लेकिन दोबारा पकड़ लिया। तो यहाँ पर गाइस जो इसी तरह से आप विकेट ले सकते हो और ये रिप्ले देखते गाइस, रिप्ले में गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी बढ़िया कैच जो है यहाँ पर पकड़ा था, देख सकते हो गाइस यहाँ पर सामने की तरफ खेला और ये देखो एक बार छूट गया था दोबारा पकड़ लिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने गाइस 54 रन अभी तक बनाए हैं 7 ओवर में और 6 विकेट गिर चुके हैं गाइस, अभी सिर्फ 4 ही विकेट चाहिए। और नेक्स्ट बॉल गाइस देख सकते हो ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर है और मैं बाहर की तरफ फिर से स्विंग कर रहा हूँ और इस बार बैट्समैन क्या किया भाई, सीधा फील्डर के पास मारा, देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब जो है कट शॉट नहीं खेला, मतलब जो पॉइंट की तरफ जब बाउंड्री लाइन पर फील्डर रखा है ना वहीं पर शॉट नहीं खेला हो और वो दूसरा साइड में शॉट खेला, गेंद जो है हवा में था और बढ़िया कैच पकड़ा। रिप्ले में भी आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से बैट्समैन ने शॉट खेला और सीधा गेंद जो है हवा में गई और फील्डर के हाथों में, सीधा फील्डर के हाथों में। तो एक और विकेट और अब सिर्फ 3 विकेट और चाहिए भाई, 3 विकेट और चाहिए, आपको दिखाता हूँ स्पेशल गेंद करके। ठीक है, स्पेशल गेंद पर आपको फुल टॉस डालना है, जैसे कि मैं आपको पहले भी विकेट लेके दिखाया था आपको,
फुलटॉस बॉल पे स्पेशल गेंद डालेंगे तो स्टंप पे जाके लगेगी। बैट्समैन कभी कभी शॉट खेलता है लेकिन ज़्यादातर ना शॉट खेल नहीं पाता है, स्टंप पे जाके लगती है। तो ये भी ट्रिक्स है गाइस, इसी ट्रिक्स के मदद से आप जो है ऑल आउट भी कर सकते हो। लेकिन स्पेशल गेंद डालने के लिए आपको थोड़ा सा जो है गेम को ज़्यादा खेलना पड़ेगा इस गेम को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलिए, प्रैक्टिस करिए और आप इससे जो है प्रो प्लेयर बन सकते हो और हर गेंद पर विकेट ले सकते हो। और अगर टूर्नामेंट जीतते हो तो उससे आपको जो है कॉइन्स वगैरह मिलते हैं, और तो कॉइन से गाइस जो है आप अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। किसी भी मतलब टूर्नामेंट अगर खेलना चाहते हो तो टूर्नामेंट खेल के आप कुछ प्लैटिनम कॉइन भी मिलते हैं भाई, प्लैटिनम भी आप ले सकते हो टूर्नामेंट पे। तो खेलते रहेगा इससे, टूर्नामेंट वगैरह भी खेलिए अच्छा रहेगा। क्विक मैच में भी आप जीत के बहुत सारा कॉइन जमा कर सकते हो। और अगर स्पेशल गेंद आप करना सीखे तो भाई और ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है। स्पेशल गेंद करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, लेकिन रेगुलर गेंद पे भी किस तरह से विकेट ले सकते हैं मैं आपको बता दिए। फिर से ऑप्शनों के बाहर गेंद रख रहा हूँ और बाहर की तरफ स्विंग कर रहा हूँ। इस बार देखो बल्ले का बाहर ही करने लेते हुए गेंद गई स्लिप के पास और आउट भाई, एक और विकेट, एक और बस सिर्फ एक विकेट और चाहिए। देखो सेलिब्रेशन देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आपको जो है आरटीजी वीआईपी आरटीजी को आपको जो खरीदना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। आप भी इसी सेलिब्रेशन को यूज़ कर सकते हो अपने गेम प्ले में, ये कट सीन वगैरह ये सेलिब्रेशन वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारा। और आप देख सकते हो सिर्फ एक ही विकेट की ज़रूरत है, बस लास्ट विकेट चाहिए मुझे। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और मैं राइट साइड में आ गया बॉलिंग करने के लिए। और देख सकते हो गाइस यहाँ पर मोहम्मद सिराज 5 विकेट लिया है 21 रन देके, और सिर्फ अब एक ही विकेट चाहिए। 10 ओवर में ऑल आउट कर दिया भाई, 10 ओवर में ऑल आउट, ये देखो भाई बोल्ड कर दिया स्पेशल गेंद से। आपको स्पेशल गेंद अगर डालना सीखे तो भाई मज़ा आ जाएगा फिर तो। और गाइस अगर रेगुलर गेंद भी डालते हो तो मैंने आपको ट्रिक्स ऑलरेडी बता दिया है, उसी ट्रिक्स को यूज़ करो। ऑप्शनों के बाहर गेंद करना है, बाहर की तरफ गेंद निकालना है और फील्डर जहाँ पर हमने रखा है ना वहीं पर रखना है, मैंने जिस तरह से फील्डर रखा था। और देख सकते हो 56 रन का टारगेट था, 57 रन का टारगेट, तो हमने जो है इस मैच को जीत लिया है गाइस 3.24 गेंदों पर बस, ठीक है। 3 ओवर के अंदर ही भाई मैच को ख़त्म कर दिया। और देख सकते हो 5000 कॉइन भी मुझे मिल गया। और अगर आपको जो बैटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ गाइस बैटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, हैशटैग बैटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लगा देना सब लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।